अरब सागर में सोमालिया के तट के पास से हाईजैक एमवी लीला नॉरफॉक से 15 भारतीय नागरिकों सहित सभी 21 चालक दल के सदस्यों को भारतीय नौसेना ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जिसकी पुष्टि भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए की। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो शामिल थे। नौसेना का एक हेलीकॉप्टर भी एमवी लीला नॉरफॉक पर निगरानी बनाए हुए था। बीते दिन खबर आई थी कि 15 भारतीय क्रू वाले एमवी लीला नॉरफॉक को सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने अरब सागर में लाइबेरियाई झंडे वाले व्यापारिक जहाज की ओर अपने युद्धपोत INS चेन्नई को रवाना किया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना की सख्त चेतावनी से डरकर हाईजैकर जहाज को छोड़कर भाग गए। आपको बता दें, सोमालिया तट पर एक मालवाहक जहाज एमवी लीला नॉरफॉक बीते दिन हाईजैक हो गया था, जिसके बाद उस पर भारतीय सेना कड़ी निगरानी रखी थी। सोमालिया के तट के पास से हाईजैक हुए जहाज पर चालक दल में 15 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।